दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको बिहार पुलिस जो 21381 पद का जो नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। आज के डेट में हम आपको एक पेपर का कटिंग भी दिखाएंगे और कल एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है CSBC वेबसाइट पर, ठीक है ना। CSBC की तरफ से, आयोग की तरफ से जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि आपका जो है वो बिहार पुलिस का फॉर्म कब से कब तक भराएगा, ठीक है ना। इसका एग्जैक्ट डेट आप सभी को हम बताने वाले हैं, तो इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इसका जो चयन प्रोसेस है, ठीक है ना, चयन प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया, ठीक है। सब कुछ बदल गया है, पहले के जैसा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो पेपर कटिंग है, ठीक है ना, ये जो आपका जो पेपर कटिंग है, ठीक है। प्रदेश में पुलिस कर्मियों की सबसे बड़ी भर्ती, आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई, ठीक है ना। आवेदन की अंतिम तिथि कब तक है? 20 जुलाई है, ये आपको हम हेडिंग में दिखा दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे सिपाही के 21391 पदों पर जो है वो होगी बहाली आवेदन 20 से, ठीक है। यानी कि आपका इसी माह में 20 तारीख से आपका जो है वो फॉर्म फिलअप होने वाला है, ठीक है ना। और कितने वैकेंसी हैं? तो 21391 पद पर जो है वो सिपाही की बहाली होगी, ठीक है। इसकी योग्यता क्या होने वाली है, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखो, किसको किस कैटेगरी में कितना सीट मिला है, तो सामान्य कोटी यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनको 8556 सीट है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है यानी कि EWS है, उनको 2140, अनुसूचित जाति को 3400, अनुसूचित जनजाति को 228 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 3842, पिछड़ा वर्ग को और इसमें जो है वो ट्रांसजेंडर सहित, ठीक है ना, इसमें ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूड कर दिया गया है, 56 ट्रांसजेंडर इसमें इंक्लूड है, तो 2570 इसमें सीट है, ठीक है। पिछड़े वर्ग के महिला को 655 और स्वतंत्रता सेनानी के जो है वो पोता पोती या नाती नतनी जो है वो 428 यानी कि फ्रीडम फाइटर के जो रिलेशन में है 428, ठीक है। किन्नर समाज यानी कि 56 ट्रांसजेंडर यहाँ पे हम पहले ही बता दिए हैं, उनका भी यहाँ पे कितना है 56। इस तरह से आपका टोटल वैकेंसी कितना हो जाएगा, 21391 पद हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं कि कब से जो है वो आपका आवेदन तिथि कब से होगा, तो 20 तारीख से। यहाँ पे देखो, साफ साफ यहाँ पे लिखा गया कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष जो है वो स्तर इसमें रखा गया, जो 10th क्लास पास कर गए हैं, या लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। परीक्षा 2 घंटे का होगी और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर साफ साफ आपको पेपर में लिख दिया गया है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। चलिए, यह होगी योग्यता, ठीक है ना। क्या क्या योग्यता होने वाली है आपको दिखाते हैं। पहला पॉइंट में क्या है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु कितना 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि पुरुषों के लिए न्यूनतम होना चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम होना चाहिए 27, ठीक है। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। तो आयु में भी अधिकतर आपको छूट जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आप जो देख सकते हैं, अनुसूचित जाति जो है वो SC और ST कैटेगरी के पुरुष एवं महिला जो है वो तथा ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए 18 से 30 वर्ष की आयु, ठीक है ना, इनको एक्स्ट्रा छूट दिया जा रहा है। यहाँ पे 30 वर्ष की आयु तक जो है वो जिनका है वो भर सकते हैं इस फॉर्म को। सभी कोटि आरक्षण कोटि के बिहार के प्रशिक्षित एवं नामांकित गृह रक्षकों को निर्धारित उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट, जैसे कि जो बिहार के प्रशिक्षित एवं नामांकित यानी कि जैसे जो बिहार होमगार्ड में होगा, ठीक है ना, या फिर कोई सिक्योरिटी गार्ड में होगा, उनको 5 वर्ष की छूट जो है वो एक्स्ट्रा दिया गया है इसमें, है ना। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र के अंकित जन्मतिथि के आधार पर की जाएगी, ठीक है ना। आपका जो मैट्रिक पे जो डेट ऑफ बर्थ है उसके आधार पर जो है आपको उम्र का गणना किया जाएगा, ना कि आधार कार्ड पे, ठीक है ना। जो आपका मैट्रिक पे मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट है ना उस पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका मान्य होगा। शारीरिक मापदंड के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, फिजिकल मेजरमेंट क्या क्या होने वाला है, किन्नर तथा या कोथी या हीड़ा या ट्रांसजेंडर, ठीक है ना, ये तीनों एक ही चीज़ है। अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता का मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होगा, ठीक है ना। ये तीनों समाज यानी तीनों कहने का मतलब कि एक ही है, थर्ड जेंडर यानी, ठीक है ना, ट्रांसजेंडर लोगों का जो है वो मापदंड क्या होने वाला है, जो महिला लोग का होता है वही मापदंड होने वाला है, ठीक है। महिलाओं के सीना का मापी नहीं होगी, सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलो होना जरूरी है, ठीक है। महिला का वजन न्यूनतम 48 किलो होना जरूरी है, ऊंचाई कितना चाहिए वो भी अभी देख लेते हैं, ठीक है। सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 150 सेंटीमीटर और अत्यंत पिछड़ा तथा SC ST वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, ठीक है।
ये हो गया आपका हाइट का। सभी वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर इसका हाइट चाहिए। पुरुषों के सीना फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का जो है वो अंतर होना अनिवार्य है, ठीक है ना। अगर आपका अभी 81 है, कम से कम 81 होना चाहिए, फुलाने के बाद आपको 86 कर देना है, ठीक है ना, 81 से 86, ठीक है। अगर किसी का 82 है, ठीक है, तो फुलाने के बाद आपका 87, यानी कि अंतर जो है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और 81 से कम तो सीना चलेगा ही नहीं, ठीक है, उसमें आपको भगा दिया जाएगा फिर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिख दिया गया कि SC ST वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर तथा फुलाकर 84 सेंटीमीटर इसमें करना है, ठीक है। अनारक्षित या फिर पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर एवं फुलाकर 86 सेंटीमीटर, यानी सीना में छूट केवल और केवल SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स को दिया गया है, ठीक है ना। उनका सेना में जिनका मिनिमम 79 है और वो फुलाने के बाद 84 उसको करना है, जिनका 77 होगा उनको जो है वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा भाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका नोटिफिकेशन, ये पेपर का नोटिफिकेशन हम दिखा रहे हैं। अब आपको हम दिखाते हैं ओरिजिनल CSBC के जो आयोग द्वारा नोटिस जारी किया गया है, उस नोटिस को अब हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए नोटिस देखने से पहले एक चीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जो भी स्टूडेंट्स अगर बिहार पुलिस का तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है ना, जिनके पास अगर स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, ठीक है, तो मेरे पास में बहुत ही बेहतरीन स्टडी मटेरियल मेरा खुद का लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसमें आपको मिल जाएगा मैथ्स, मिल जाएगा मैथ रीजनिंग, ठीक है, GK GS मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको साइंस भी देखने के लिए मिल जाएगा, वो भी ट्रिकी वाइज, ठीक है ना। मैथ और रीजनिंग बहुत ही ट्रिकी मेथड से है, ठीक है, कैसे भी, और हर चैप्टर में, ठीक है ना, हर चैप्टर का उसमें जो है वो टाइप वाइज सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है। तो जिनको भी ज़रूरत होगा मेरे अबाउट वाले सेक्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, वहाँ से आप लोग जाके व्हाट्सअप पे मैसेज सेंड करना, आपको हम नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है ना। ऑल सब्जेक्ट का नोट्स कितना में आपको मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिल जाएगा 199 में, और जिनको केवल मैथ्स का नोट चाहिए उनको केवल 99 में केवल मैथ्स का नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए, ज़रूरी हो, आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका क्लास भी चलेगा इस पर, हम उसका इन्फॉर्म हम कर देंगे आपको। देखिए ये है आपका CSBC की तरफ से जो है आया है, ये आयोग की तरफ से ऑफिशियल नोटिस। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि कब तक है, 20/7/2023 तक है, ठीक है, अंतिम तिथि 20/7/2023 तक लिखा गया इसमें, ठीक है। चलिए इसमें बारीकी से हम देखते हैं, जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 15 पेज का है तो हम पूरा पढ़ के सुनाएंगे नहीं, ठीक है, इतना तो आपके पास भी टाइम नहीं होगा। देखिए इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या इतना जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 20/6/2023 से प्रारंभ होगी, ठीक है, इतना से प्रारंभ होगी और कब तक चलेगी, 20/7/2023 तक, यानी कि 30 दिन तक, ठीक है ना। प्रक्रिया कब तक चलेगी, 30 दिन यानी एक महीना जो है वो आपके पास में फॉर्म भरने का डेट है, ठीक है ना। एक महीना के अंदर में आप फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है ना। कितना पद है, 21,391 पद जो है वो आपको मिल रहा है इसमें, है ना। अब बाकी इधर देख सकते हैं आप लोग, पूरा नोटिफिकेशन अगर आपको पढ़ना है तो आप इंस्टा पे मैसेज कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे हम आपको पूरा नोटिफिकेशन भेज देंगे, ठीक है ना। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नमत होगी, है ना। 2022 तक जो है आपको अभ्यर्थी की, हाँ, 1/8/2022 तक जो है आपका उम्र जो है वो 18 वर्ष हो जाना चाहिए, ठीक है। भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है इसमें, ये सब तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। यहाँ पे मापदंड रखते थे अभ्यर्थी की शारीरिक मापदंड, इसके बारे में विशेष हम उसने दिखाई दिए हैं। बिना फुलाए जो है वो 81 सेंटीमीटर न्यूनतम है, फुलाकर जो है 86 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। पुरुषों के लिए ये जो है वो अप्लीकेबल है। यहाँ पे बाकी हाइट के बारे में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा इसमें जो है वो दे दिया गया है, कहीं कुछ भी एक भी चीज़ छोड़ा नहीं गया, ठीक है ना। और इसमें सबसे देखो, तो हम बोल रहे थे कि चयन प्रक्रिया कैसे होगी, तो चयन प्रक्रिया तो वही होगी, फिजिकल का जो नंबर आएगा उसके अनुसार ही चयन प्रक्रिया होगी। लेकिन इसमें जो है वो चेस्ट में और वेट में, ठीक है ना, चेस्ट एंड वेट में जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो इसमें बाहर होने वाले हैं, ठीक है। तो आप अपने फिजिकली पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा फिजिकल मेंटेन करके चलिएगा, ठीक है, कहीं वेट लॉस ना हो जाए या फिर ओवर वेट ना हो जाए, ठीक है। ये दोनों पे ध्यान देना है, कहीं लॉस ना हो और कहीं ओवर भी ना होना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो गाइस ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर करना, ठीक है। और बाकी आपका क्लास भी चलेगा, है ना, उसका इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को करेंगे ग्रुप में। और जो ग्रुप से नहीं जुड़े ज्वाइन हुए हों तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम ग्रुप का नंबर दे देंगे, ठीक है ना, ग्रुप का लिंक भी दे देंगे, आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।